हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनू स्टाइल्स। तो आज हम बात करेंगे सेवन बेनिफिट्स ऑफ कैस्टर ऑयल। जी हाँ गाइस, सेवन बेनिफिट्स, वन ऑयल एंड सेवन सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने एक बोल ले लिया है। अभी मैं इसमें अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल शेक करके डालूँगी। लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना है, इसे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जितना मुझे चाहिए उतना मैंने इसे डाल लिया है बोल में और ये रेडी हो चुका है। तो पहले हम इसे यूज़ करेंगे फॉर थिकर आईब्रोस। नोट कर लीजिए कि आप ये सब करने से पहले आपके आईब्रोस क्लीन और ड्राई हो। मैं ये कैस्टर ऑयल ले रही हूँ, आप देख सकते हैं, और इसे मैं आईब्रोज पे हल्के हाथों से लगा रही हूँ। कम कम लगा रही हूँ, ओवर नहीं यूज़ करना है, कम नहीं यूज़ करना है, देख सकते हैं आप। और दोनों हाथों से मैं इसे ऑयल को थोड़ा सा रब करूँगी एंड देन इसे मैं मसाज करूँगी। नेक्स्ट हम आई लैशेस के लिए यूज़ करेंगे फॉर लॉन्गर एंड थिकर आई लैशेस। तो मैं इसे अपने फिंगर टिप पे ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कर्लर और ईयरबड अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे आई लैशेस पे ये ऑयल लग रहा है धीरे धीरे हाथों के फिंगर से। आगे का वीडियो दूसरी आईज का भी ऐसे ही होगा, वो थोड़ा फास्ट होगा। तीसरा जो है हम यूज़ करेंगे फॉर सॉफ्टर द लिप्स, सॉफ्टन द लिप्स। जो भी आपके चैप्ड या ड्राई लिप्स है, आप अगर कैस्टर ऑयल इस पर लगाएंगे और मसाज करेंगे तो ये आपके लिप्स को पिंक बनाने में हेल्प करेगा और सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करेगा। चौथा है जो आप एक्ने या डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट या एक्ने है, आप वहाँ पे इसे लगाइए और रात भर रखिए। आगे का थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग होगा। चौथा है फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर लॉस। तो पहले तो मैं ऑलरेडी उसमें कैस्टर ऑयल अवेलेबल है, मैं उसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आपको पता है ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स, लॉन्ग स्मूथ शाइनी हेयर बनाता है, प्लस ये रेडी हो चुका है। इसके बाद में मैं ऐड करूँगी पैराशूट। पैराशूट बहुत ही पुराना है, ओल्ड टाइम से हम यूज़ करते हैं पैराशूट, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करूँगी। फिर मैंने टी ट्री ऑयल लिया है जो नायका का, ये डैंड्रफ और जो भी इन्फेक्शन है सर में वो उसे निकालने में बहुत ही हेल्प करता है। इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी आपको ये ऑयल मिक्स करके सर पे मसाज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फिंगर टिप से अपने स्कैल्प में इसे मसाज कर रही हूँ धीरे धीरे। आपको ये हर वीकेंड यूज़ करना है। आप इसे रोज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ ऑयलिंग विल बी वेरी बैड फॉर हेयर। इससे आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा दिखेगा कि आपके हेयर ग्रोथ हो रहे हैं। आफ्टर ऑयलिंग आई कंप्लीटेड माई हेयर विद अ रैप। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कैस्टर ऑयल को हाथ में ले लेंगे पाम में एंड देन हम इसे रब करेंगे ऑन हैंड, मसाज करेंगे फॉर सॉफ्टर हैंड्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। आपको इसे रात भर रखना है ताकि आपके हाथ मॉइस्चराइज्ड हो जाए प्रॉपरली। और नेक्स्ट हम फॉर क्यूटिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके क्यूटिकल्स ड्राई है तो आप ये यूज़ करिए, इसे मसाज करें और रात भर रखिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। So guys, my video is ended. I hope you liked my video. If you liked my video, please give a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।